हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द शीट आईयूपीएससी। तो हम आईयूपीएससी का जो शीट है, जिसको हम नॉमेज शीट भी बोलते हैं, उसका डिसीजन कर रहे हैं एक्सरसाइज वन का। आइए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है। जो बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है भैया? वो आपको बोल रहा है, इस कहानी के अंदर हाउ मेनी वन डी कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैविंग 2, 3 डिग्री एंड 1, 2 डिग्री कार्बन। क्या बोला गया है? वन डी कार्बन एटम देखना है, विल बी प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैविंग 2, 3 डिग्री। तो लैंग्वेज पे ध्यान दो, 2, 3 डिग्री एंड 1, 2 डिग्री। तो बेटा, इस कहानी के लिए आपको डिग्री का बहुत अच्छा तरह से आइडिया होना चाहिए। अब होगा क्या, तो ध्यान से देखिए, आपको देखना है 2, 3 डिग्री। इसका मतलब आपके पास बेसिक कंसेप्ट ये कि आपके पास यहाँ पे ये दो कार्बन जिनको मैं गोला मार रहा हूँ, 2, 3 डिग्री कार्बन देख रहा है ना। इसके बाद अब बोला गया 1, 2 डिग्री भी होना चाहिए। तो आप किसी एक लोकेशन में, किसी भी एक लोकेशन पे एक कार्बन बढ़ा दीजिए, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्बन और ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद आपको इमेजिन कर रहा है, क्या इमेजिन करने को बोल रहा है कि भैया आप ये बताओ कि इसमें 1 डिग्री कितने बचे। तो टेक्निकली आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, जो कि आपकी अप्रोच के लिए अवेलेबल हो। नाउ द प्रॉब्लम विल बी विद दिस, इसका हमारा आपका आंसर 4 आएगा। बट बच्चा आर्ग्यूमेंट ये भी कर सकता है कि सर मैं तो पहले 2 डिग्री बनाना पसंद करता हूँ, चलो ये कर लीजिए, उसके बाद 3 डिग्री बना दीजिए, तो ये बना लीजिए। आप अगर ऐसा भी करते हो तो लकीली आप चेक करिएगा, आपका आंसर उस सिचुएशन में भी यही आएगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपसे सिंपल पूछा गया, एलीसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, एलीसाइक्लिक का मतलब होता है, पहली बात तो आपको हो गया एली, एली मतलब एलिफेटिक, ये नाम समझ में आ जाना चाहिए। एलिफेटिक साइक्लिक का मतलब, जैसे आप 3 मेंबर बनाते हो, 5 मेंबर बनाते हो, 4 मेंबर बनाते हो, 6 मेंबर बनाते हो, तो दे आर द एलिफेटिक साइक्लिक। इसी से बना एली, ये बना साइक्लिक। एक्चुअली सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम डज 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले डायग्राम बनाइए, 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपने बना लिया डायग्राम। अब आपको चेक करना है इसके अंदर डिग्री की बात करनी है, तो डिग्री के लिए क्या चेक करते हैं, कुछ याद है? डिग्री के लिए चेक करते कार्बन कार्बन काउंट। तो बेटा यहाँ पे जितने भी कार्बन है आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कार्बन ही आपको चेक करके आंसर दे के रूप में यूज कर पाएंगे, क्या आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो दे आर दोनों से 3 डिग्री, क्योंकि वो 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं सर व्हाट अबाउट 2 डिग्री, तो ध्यान से देखो, ये जिनको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके 2 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। और व्हाट अबाउट द 1 डिग्री कार्बन, तो ध्यान से देखिए, जिनको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये सब 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। तो बेटा आपका सही आंसर क्या आना चाहिए? डेली आना चाहिए, बिकॉज 3 डिग्री भी 3 है, 2 डिग्री भी 3 है और 1 डिग्री भी 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे कंपाउंड विच हैज़ 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसके लिए आपको तमीज से सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे ताकि आपको सही तरह से कहानी समझ में आ जाए। जैसे लिखा हुआ है 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, तो अगर आप डायग्राम को ढंग से बनाओगे तो पेंटेन बना लिया 2, 2, 3, 3 पर, बेटा ये तो सब न्यू पेंटाइल जैसी फीलिंग दे रहे हैं। ओशन बॉम्बे 2, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, तो 2, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये पार्ट भी न्यू पेंटाइल की फीलिंग ही तो दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल, ये तो न्यू पेंटाइल है, पर दिस नॉट आइसो। आइसो होने के लिए आपकी सेकेंड टर्मिनल से सेकेंड पे ब्रांच होनी चाहिए। 2 मिथाइल पेंटेन, यस दिस इज द 1, 2, ये आपका सेकेंड पर, ये मिथाइल का ब्रांच। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दहली विद दिस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगसिस। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, पहले तो पता होना चाहिए कि एस्टर कौन होता है, हमें तो यही डाउट होगा। एस्टर का मतलब जिसके पास COO ग्रुप अवेलेबल। अब होमोलोगस पूछा तो बच्चे का आर्गुमेंट होगा, सर क्या हम यहाँ एच कर ले? नहीं बेटा, अगर आपने एच कर लिया तो ये एसिड कहलाएगा, बट अगर आप उधर एच करते हो तो आपका आंसर सही है, क्योंकि नाउ अभी फ्री चॉइस है, यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर एच नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एस्टर, ये एसिड है। एस्टर होने के लिए ओ के साथ यहाँ कार्बन का होना भी जरूरी है। अब सिंपल सा फंडा, चूंकि आपने IUPAC पढ़ रखी है, तो आपको बता दूं इसका नाम था एल्काइल एल्केनोएट। तो चूंकि यहाँ पे मिथाइल और एक कार्बन का IUPAC नेम हो रहा है, इसका नाम होगा मिथाइल मीथेनोएट। तो मिथाइल मीथेनोएट, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो होगा C2H4O2। ये आपका पहला फर्स्ट मेंबर होमोलोगस हो गया, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। नंबर 4, आपसे पूछा है ग्रुप क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड विच कैन इम्प्रेस बाय द एक्सप्रेस बाय द जनरल फॉर्मूला एंड इन विच द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2 इन दिस मॉलिक्यूल ऑफ मास इज कॉल्ड। हम सब जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, बस इज नॉट ए हेट्रोजीनस, दैट्स नोन एज ए होमोजीनस सीरीज। अब होमोजीनस बोलना सही है कि होमोलोगस बोलना सही? तो याद रखो,
टेन क्लास का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, इसलिए आपका आंसर बॉम्बे, जहां सी एच टू का डिफरेंस हो मोल के वेट में, और मोल के फॉर्मूले में सी एच टू का डिफरेंस होना चाहिए और वेट में 14 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला नंबर सेकेंडरी कार्बन पूछा, तो भैया देखो यहाँ सबके सब 2D दिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2D 2D है, ये आपका 1D, ये आपका 3D भी कहलाएगा, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3D, और यहाँ पे 2D ऑप्शन है। अब आपको काउंट करना तो बस सारा गेम है किस पर बेस्ड, जस्ट 2D पे, तो आइए 2D इस पे सबके सब 2D दिख रहे हैं। अगले कहानी के अंदर आप ध्यान से देखिए क्या होगा, इसमें केवल 1 2 3 4 बस 4D दिख रहे हैं, उससे अगले में 1 2 3 4 5 दिख रहे, तो भैया आपका आंसर पहले 6 फिर 4 फिर 5 6 4 5, यानी आपका आंसर यहां पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। नंबर 8 आपसे पूछा गया, मोल का फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द एल्किनाइन एंड इट्स नेम इज गिवन बाय द सेट, वर्ड पे ध्यान दिया जाए, क्या बोला, इन भी होना चाहिए और आयन, तो बच्चा जल्दबाजी में ये कर सकता है, बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, कार्बन की वैलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती, तो आपको क्या ऑप्शन बनाना है, आपको ऐसा ऑप्शन बनाना है जहां पे आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, दिस इज द फर्स्ट मेंबर जिसके ऊपर आप जिक्र कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो देखो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाए, वैलेंसी कंप्लीट कर ली, सेटिस्फाइड हो रहा है, इन आइन दोनों बराबर है, तो आप इसको बोलोगे 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन 3 आइन, बट देर इज नो ऑप्शन, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑप्शन ढूंढो, ये तो नहीं हो सकता, हेग्ज नहीं हो सकता, पेंग, आपके पास वो ऑप्शन बचा ही ये ऑप्शन है, से ब्यूट फिर चलेगा E9, वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग है कि E9 होने पर ऑफकोर्स वो 1 इन होगा और 3 आइन होगा, इसमें इसका 1 और इसका 3 साइलेंट फॉर्म में चिपका हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जिसके रिंग के बनते समय हेट्रो एटम आना चाहिए, तो बेटा ये सल्फर वाला ऑप्शन आपका कहलाएगा, बिकॉज दिस ये रिंग में आता है, बच्चा आर्ग्यूमेंट कर रहा है सर, ओ हाँ बेटा ध्यान से देखो, ये जो जुड़े हुए हैं ना ये सब कार्बन ही तो हैं, ये सब कार्बन कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जब रिंग के कार्बन, रिंग के एटम जो कार्बन कार्बन से मिलकर बना, उसमें कोई दूसरा एटम आना चाहिए, बाहर तो कितने भी चलेंगे, इससे सल्फर, यानी दिस इज द थीम, इसका नाम थायोफीन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो बताइए इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम कैसे जज कर सकते हैं, तो देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सारा ध्यान एक तरफ, पाई बॉन्ड एक तरफ, तो अपना सारा ध्यान पाई बॉन्ड पर होना चाहिए, दिमागी मत लगाओ, चुपचाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेके निकल लो, ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है, और ये भी आपकी ब्रांच है, बस काम हो गया, 3 6 डाई मिथाइल और 5 इथाइल, तो भाई देखो मेरे हिसाब से 5 इथाइल तो सही आ रहा है, 3 6, तो बस यहाँ पे पंगा ले लिया, 3 6 डाई मिथाइल देन नॉन 3 इन, कन्फर्म आपका आंसर यहाँ पे ए आएगा। तो बेसिक सा यूपीएससी रूल है, जहाँ पाई बॉन्ड शुरू होता है वहां से मिनिमम पोजिशन होते हुए पाई बॉन्ड से गुजर जाने का, बेसिक फंडा यही है। नंबर 11, अगर पाई बॉन्ड रिंग के बाहर चला गया तो सारा रूल एक तरफ, भले यहाँ पे 6 कार्बन हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन हो, पर पेरेंट चेन यही होगी, तो ये आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी, नाउ दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये आपका कहलाएगा 3 मिथाइल और ये कहलाएगा साइक्लोहेक्साइल, तो हम बोलेंगे सिंपल 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा विद दिस। ओके नंबर 12, आपको पास पाई बॉन्ड भी है OH भी है, तो हमें पता है जंगल का राजा तो OH होता है, तो हम OH को पहले प्रेफरेंस करेंगे क्योंकि दिस इज द मेन फंक्शन ग्रुप, तो आप अब यहाँ से तो 1 2 3, यहाँ से 1 2, तो भैया इसको 1 2 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, दैट्स नोन एज ए पेंट, उसके बाद 2 इन, यस देन 2 3 डाल इल रखिएगा क्योंकि यहाँ पे डाई आ रहा है, यानी आपका आंसर सिंपल सा बॉम्बे आ जाना चाहिए। नंबर 13 आईयूपीएसी नेम पूछा है, साइनाइड आपके पास अवेलेबल है, ये आपका 1 2 3, ये आपका जंगल का राजा, जिससे आप चेक कर पाओगे, क्योंकि ये आईयूपीएसी के हिसाब से हम इसको किस नाम से जान सकते हैं, पहली बात आईयूपीएसी पूछे इस पे ध्यान दिया जाए, तो क्या बोलेंगे, एल्केन नाइट्राइल, तो अब ये होगा प्रोपेन नाइट्राइल, तो नहीं बोल सकता बिकॉज पाई बॉन्ड की लोकेशन बता, तो प्रोप के बाद 2 इन लिख दो, तो प्रोप 2 इन नाइट्राइल, योर आंसर इज दिल्ली विद दिस, सिंपल। नंबर 14 आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन एमीन दिख रहा है, एक्चुअली जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आप समझो पहली बात कि ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, ताकि हम इसको 1 2 मान के पेरेंट चेन मान ले और हम इसको बोलेंगे इथेनेमीन, बट इथेनेमीन से नाम नहीं चल रहा, हमें इनकी ब्रांच के नाम भी तो लेने पड़ेंगे, तो क्या बोलोगे, ये जुड़ा है एन इथाइल, ये जुड़ा है एन मिथाइल, तो एन इथाइल एन मिथाइल वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एम तो पहले नहीं आ सकता, इथाइल मिथाइल में इथाइल पहले आएगा, तो वी हैव टू कंसिडर एज ए एन इथाइल एन मिथाइल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी विद दिस, एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल, वो बाद में लिख दो इथेनेमीन, ये जो ग्रुप एक्स्ट्रा बचते हैं पेरेंट चेन को छोड़ने के बाद, उसको हम क्या समझते हैं, ब्रांच, ब्रांच को आगे लिख देते हैं।
नंबर 15 आपसे पूछा गया है एसिटिल एसीटोन का यूपीएससी नेम, तो पहले एसीटोन बनाइए, ये आपने एसीटोन बना लिया। अब एसिटिल ग्रुप किसको बोलते हैं, तो एसिटिल ग्रुप बोलते हैं CH3CO को। अब इन दो को जोड़ना तो ऐसे तो नहीं जोड़ सकता, क्या करोगे भैया, जोड़ते समय कहीं एक एच कम कर दीजिए और क्या होगा, मतलब यहाँ पर CH3CO और इस जगह जोड़ोगे तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, बस काम हो गया आपका। अब आपको पता है यूपीएससी नेम की नंबरिंग तो पता ही है, सिंपल सा 1 2 3 4 5, ये आपका पेरेंट चेन है, तो बेवकूफ मत बना, बहुत से बच्चे बोलते 2,5-डायऑक्सो, अबे ढक्कन हो, ये तुम्हारा मेन फंक्शन ग्रुप है। मेन फंक्शन ग्रुप के अंदर कौन डाइऑक्सो बोलेगा, कौन नहीं बोलोगे। पांच कार्बन दिख रहे, तो भैया पहले पांच कार्बन को सर्च मारो कि वेयर इज द पांच कार्बन, पेंटेन यहाँ भी है, पेंटेन यहाँ भी है, तो ब्यूटेन हेक्सेन तो खत्म। पेंटेन के बाद 2,5-डाइऑन क्या 2,4 है, तो ऑफकोर्स 2,4 बिकॉज लोकेशन हमारी फिक्स होनी चाहिए, हमारा आंसर सिंपल तरीके से बॉम्बे आ जाएगा। अगला वेन विनाइल एंड एलाइल आर जॉइंट ईच अदर, हमें पता है क्योंकि बेटा ये जांग के दिया गया, कॉमन नेम पता होना चाहिए। विनाइल का मतलब ये ग्रुप विनाइल कहलाता है, एलाइल का मतलब या एलाइल जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ना, जोड़ दो ना, क्या जोड़ने का मतलब क्या, ये जोड़ दिया, ये देखो बीच में से इस आ गया। अब दोनों पाई बॉन्ड क्या आसपास या बीच में sp3 कार्बन आ रहा है, जब बीच में एक भी sp3 है मतलब आइसोलेट, आइसोलेट मतलब दूर दूर, तो हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देख सो आंसर सी, पर आपका डाउट होगा सर कॉन्जुगेटेड क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड लाइक दिस, अगर ऐसा होता तो मैं इसको बोलता कॉन्जुगेटेड, ये फ्यूचर में रिजोनेंस में सीखोगे। क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटेड का मतलब होता है कंटिन्यूस, दोनों पाई बॉन्ड एक ही कार्बन से जुड़े हो, तो जब दोनों कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हो, अगर हाइब्रिडेशन की बात करना चाहो तो sp2 के बाद sp फिर sp2 आता हो तो वो क्यूमुलेटेड कहलाता है। इसमें ध्यान से देखो सब कुछ sp2 ही आता है, बीच में कोई नहीं आता, सब कुछ sp2 आना चाहिए। और इसमें ये बोलते हैं कि sp2 के बीच में अगर एक भी sp3 आ जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड, आइसो मतलब दूर दूर। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब अगर हाइब्रिडेशन के हिसाब से बात करूं तो सारे के सारे ऑल sp2 वाला पैटर्न होना चाहिए, जो भी रेजोनेंस, ऑल का मतलब आगे sp3 है, दो पाई बॉन्ड के बीच में दो पाई बॉन्ड पूरे sp2 होने चाहिए। क्यूमुलेटेड का मतलब उसमें sp2 भी आएगा और sp भी आएगा और sp2 भी आएगा, ये कॉम्बिनेशन। और आइसोलेटेड का मतलब होता है कि बीच में इन बिटवीन पाई बॉन्ड आपको दो पाई बॉन्ड के बीच एक sp3 आना चाहिए, तो दो पाई बॉन्ड हो बीच में और sp2 हो तो कॉन्जुगेटेड, sp बीच में आ जाए तो क्यूमुलेटेड, और sp3 बीच में आ जाए तो आइसोलेटेड। दैट्स वेरी सिंपल फंडा, फ्यूचर में और सीखोगे रिजोनेंस के अंदर, पर अभी आप आइसोलेट का मतलब समझ, आइसोलेट मतलब अलग अलग। अगले बात कर सकते हैं, ये पूछा आपके पास ऑप्शन के रूप में, तो भैया ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल के रूप में यूज कर पाओगे। पूछा है क्या, तो भैया ये आपको क्या लगना चाहिए, इस कहानी को देख के हमें समझ में आ रहा है कि सर OH अवेलेबल है तो ये 2D कार्बन है, तो ये पक्का 2D OH, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये एक ही बॉन्ड से बना हुआ है, ये भी एक बॉन्ड से, तो ये अगर आपका 1D कार्बन है तो ये आपका 1D OH कहलाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक सेकेंडरी बनेगा एक प्राइमरी बनेगा, योर आंसर इज दिल्ली विद दिस। अगला यूपीएससी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये आपका ऑप्शन है जिसको आप चेक कर सकते हो, पूछा है किस फॉर्मेट में यूज करना, तो ध्यान से देखो यहाँ पहले आप है ना इन पे ध्यान दो जो ऑलरेडी नॉर्मल तरीके से बने हुए, बाकी ब्रांच को अपन, ये ब्रांच है जिनको मैं गोला मारा हूँ, ब्रांच को बाद में बात करते, पहले सी फिर सी फिर सी फिर सी एच है, अब ये ब्रांच इसके लिए होगी, ये ब्रांच इसके लिए होगी, तो आप यहाँ पे ब्रांच बना सकते हो कि यहाँ सी एस थी यहाँ सी एस थी आएगा, और ये ब्रांच इसके लिए, तो आप इसको भी सीएसटी बना सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, इसने बाउंडेशन दी कि यार हमें इन आयन की फीलिंग दे रहा है, इसका मतलब आपको पाई बॉन्ड इमेजिन करना, और ऐसे इमेजिन करना है कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही रह सके। इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ CH है तो पक्का यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, और यहाँ पे आपके पास 4 हो रही है तो फिर पक्का यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूँ। ध्यान से देखो सेट हो रहा है आपका काम। अब आपको चेक करना है कि आपको जे इसमें किस तरह से चेक करना है, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की इधर से भी 1 2 आ रहा है, इधर से भी 1 2 आ रहा है, जब दोनों और 2 2 पोजिशन आ जाए तो हमें पता है कि हम किसको पहले प्रीफर करते हैं, हम प्रीफर करते हैं ई नाइन में इन को, यानी आपकी पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 5 6, ये आपका कहलाएगा 3-मिथाइल, यस 3-मिथाइल, तो 3-मिथाइल के बाद फिर क्या कहलाएगा, हेक्स 2-ईन 2-ईन, उसके बाद कहलाएगा यहाँ पे 4-ईन, यस 4-ईन, क्योंकि 4 पे पाई बॉन्ड शुरू होता है, 2 पे पाई बॉन्ड शुरू होता है। इसको देख के हमें लगता है कि हमारा आंसर बॉम्बे आना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया कि पहले ब्रांच ब्रैकेट को छोड़ के, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ब्रांच होता है, आप पहले नॉर्मल कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, फिर उस कार्बन के पीछे जहां भी ब्रैकेट है उससे आगे वाले कार्बन को अपने माए बाप समझिएगा, मतलब आपको उस कार्बन पर जुड़ने का, उस पर जुड़ने के बाद जो बाकी वैलेंसी बच गई वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेंशन कर दीजिए, ताकि आप उसका यूपीएससी नेम सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 19, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाएगा। यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अगेन देखो ये सब ब्रैकेट दे रखा है, अपन केवल इस कार्बन पे बात कर, सबको इग्नोर कर दो, बस ये तीन कार्बन मुझे दिख रहे हैं, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा। अब हम ब्रांच की बात कर लेते, ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी एच थ्री सी एच, फिर ब्रेकेट में एक बार फिर टू लिखा हुआ है, तो अपन ये समझेंगे कि यहाँ पे दो इस तरह से ब्रांच आ रही है। अगले में आपको इथाइल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इथाइल लिख सकते हो, उससे अगले में क्योंकि ये इसके लिए मानूंगा, और यहाँ पे मिथाइल, तो हम यहाँ पे इसी कार्बन पे दे रखा है क्या, नहीं, अच्छा मैंने गलती करी है, इस पर ये भी और इस पर ऑफकोर्स ये भी मानूंगा, इसका मतलब ये कि इथाइल भी इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका तो ये और इसका क्या हो गया, इसका मिथाइल हो गया, ये ग्रुप इधर दे रखा है तो यहाँ पे इथाइल इथाइल हो गया, पहले तो ये समझो। अब प्रॉब्लम में इतना जखीरा सीखने के बाद हमें ये सीखना है कि भैया किधर से नंबरिंग दे के अपनी कहानी को ढंग से सेट किया जाए, ताकि हमको यूज करने में आसान। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7, और सब तो सेट हो रहा, तो बस सिंपल सा फंडा है 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो आपकी ब्रांच में मिथाइल बचा, मिथाइल बचा, इथाइल बचा, इथाइल बचा, और ये वापस बचा 1 मिथाइल इथाइल बचा। अल्फाबेटिकली हम कह ले किसको प्रीफर करते, पहले हम इथाइल लिखते, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 5, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी 3 और 5 डाईथाल, 3 5 डाईथाल दिख रहा है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा पेरोल में कि पहले मिथाइल लिखो या मिथाइल इथाइल लिखो, तो सोचिएगा इस कहानी को कंसेप्ट के रेस्पेक्टली, कि यहाँ पर एम और यहाँ पर मिथाइल के बाद इथाइल, या केवल मिथाइल, डाई तो हम काउंट करते हैं, तो आईयूपीएससी पूछी है हम, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर समझेंगे, ठीक है। और 5 लोकेशन पे आइसोप्रोपाइल तो वैसे भी नहीं आ रहा, वैसे काम सेट है आपका आंसर, केवल आगरा आगे बढ़ जाते हैं, आगे लिखा हैप्ट, उसके बाद 3 इन, वेट प्लीज, हैप 3 इन, तो अपने पाइबोन मिस किया है क्या अपन ने, या अपन ने पाइबोन मिस किया है क्या, 1 2 3, यानी अपन ने लोकेशन तो नहीं गलत बना दी है। द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रक्चर इज दिस, कार्बन कार्बन दे रखा है, इथाइल दे रखा है, अच्छा यहाँ पे पाइबोन मिस किया अपन ने, देखो यहाँ पे, ओके भैया अगर यहाँ पाइबोन, क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं देखा, अगर यहाँ पाइबोन है तो फिर सारा गेम ही पलट गया यार, ये तो आपको पूरी कहानी चेंज करनी पड़ेगी। वेट करिए, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा इस कहानी को, क्योंकि अपन ने पाइबोन पे तो ध्यान ही नहीं दिया। देखो देखो देखो, क्योंकि अपन को ऑप्शन में देखना चाहिए था, तो वेट, फिर तो काम बहुत अलग हो गया। यहाँ पे 3 कार्बन अवेलेबल जो कि दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे दे रखा है इथाइल, तो मस्त क्वेश्चन बन गया भैया, तो मज़ेदार लग रहा है, मुझे भी अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ इथाइल इथाइल आ गया, ये वाला आपका हो गया, पहला कार्बन मैंने क्लियर कर दिया। अब अगले कार्बन पे आते, अगले कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल की बात कर लेते, वो भी क्लियर कर दिया, तो उससे अगले कार्बन पे यहाँ पे मैं इथाइल की बात करता हूँ, मैंने वो भी क्लियर कर दिया, और फिर उसके बाद अब कुछ बचे, इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो ऑफकोर्स उससे जुड़ा हुआ होगा, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब चूंकि इन दे रखा, तो भैया फिर यहाँ पे तो पाइबोन बना ही, आपने पाइबोन भी मेंशन कर दिया यहाँ पे, अब तो फिर रूल खत्म, सारे रूल एक तरफ, ये कहानी एक तरफ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या करोगे भैया, तो पाइबोन होते तो गेम खत्म, आपको फिर दिमाग लगाना ही नहीं, चुपचाप 1 2 3 4 5 6 7 बोल के निकल लो। ये आपका ब्रांच, ये आपका ब्रांच, ये आपका ब्रांच, ये आपका ब्रांच कहलाएगा, तो ये तो काम बहुत आसान हो गया। इसमें तो और लकीली पता है थ्री, तो फिर आपके ऑप्शन ही दो सेट हो, ये तो वैसे खत्म हो गया, और यहाँ पे 3, तो ऑफ कोर्स 3 और 5 इथाइल दिख रहा है, 3 5 इथाइल दिख रहा है, क्योंकि बेटा अब ये तो आंसर आ ही नहीं सकता 2 के नाम पे, ठीक है, और हमें पता है कि प्रोपाइल नाम है ही नहीं, फिर तो पक्का आपका आंसर ए ही आएगा। तो भैया थोड़ा क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमें पहले ऑप्शन भी देखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन ढंग से नहीं देखे तो ये तो माइनस में जाने का रास्ता बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूपीएससी नेम पूछा हुआ है, जंगल का राजा ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपका 1 2 3 दिमाग लाइन जो तो नहीं है, ये आपका इथाइल कहलाएगा, ये आपका 1 2 3, तो हम सिंपल सा यूपीएससी नेम के हिसाब से क्या बोलेंगे, एक से 2 इथाइल, उसके बाद प्रोप 2 इनोइक एसिड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपका आंसर बॉम्बे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, करेक्ट यूपीएससी नेम ऑफ द 2-ethyl-PEN-3-IN की बात कर रहे हो, तो जरा लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाए, सबसे पहले करेक्ट यूपीएससी नेम ऑफ 2-ethyl-PEN-3-IN, तो पहले तो PEN-3-IN बना लेते, पहले हमेशा यहीं से शुरू करते हैं 1 2 3, तो अपने 1 2 3 यहाँ से पीए बना दिया, उसके बाद 1 2 पे इथाइल लिखा है, अब आपको लग जाएगा कि यार पेरेंट चेन का लोचा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, और मैं अगर इसको ढंग से पेरेंट चेन के रूप में कंसिडर करूँ, तो मेरा यूपीएससी नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का वास्ता चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं इसको 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
इसका मतलब मेरे पास ये ज़्यादा अच्छी, बिकॉज यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ पाई बॉन्ड को लेना पसंद करता हूँ, इसलिए हम लिखेंगे इसको 4-मिथाइल-हेक्स-2-आयन सिंपल फंडा, जो कि आप यूज कर सकते हो। अगला, ऑल द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो भैया पहले तो आपको ढंग से डायग्राम बनाना पड़ेगा इस कहानी को डील करने के लिए। 1-क्लोरो-1-इथॉक्सी-प्रोपेन, तो भैया ये आपका 1-क्लोरो, ये आपका 1-इथॉक्सी, चलेगा, अल्फाबेटिकल का भी ध्यान सही रखा गया है। ऑप्शन 1-1-अमीनो-1-इथॉक्सी-प्रोपेन, तो पहले प्रोपेन बनाइए, फिर 1-अमीनो आपने 1-अमीनो बनाया, फिर 1-इथॉक्सी आपने 1-इथॉक्सी बनाया, पर आपने गलती क्या करी, अमीनो प्रीफिक्स कैसे हो सकता है, अमीनो तो सफिक्स होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द MFG, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका सही आंसर क्या आना चाहिए था, आपने 1-2-3 सही लिखा है, आपको केवल ये लिखना था इस नोन एज ए 1-इथॉक्सी, उसके बाद क्या आना चाहिए था, प्रोपेनेमीन, क्योंकि एमीन तो सरनेम होना चाहिए, सरनेम को आप प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते ना बेटा, इसलिए आपका आंसर नहीं चाहती बॉम्बे। अच्छा थर्ड भी देख ही लेते हैं, 1-इथॉक्सी-2-प्रोपेनॉल लिखा हुआ है, तो ये आपका 1-इथॉक्सी और ये आपका 2-प्रोपेनॉल, ये आपका 1-2-3 कहलाए। ऑप्शन दिल्ली 1-इथॉक्सी-प्रोपेनेमीन, तो मुझे पता है 1-इथॉक्सी-प्रोपेनेमीन, तो ये आपका NH2 ग्रुप अवेलेबल है, और यहाँ पे आपका 1-इथॉक्सी, देखो बराबर तमीज से 1-इथॉक्सी-1-प्रोपेनेमीन सेट हो रहा है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये इसका सही आंसर ये रहा, यही तो लिखा है, इसका मतलब बॉम्बे आपका क्या है, पहले लैंग्वेज दे दो, क्या पूछा था, नेम आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो भाई ये काम सेट है कि बॉम्बे वाला गड़बड़ कर रहा है, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने पूछा गया यूपीएससी नेम, चेक करते हैं क्या ऑप्शन है, 1-2-3-4-5-6-7-8, अब प्रॉब्लम है कि सर किधर से करूं, इधर से 1, देखो यहां से करूंगा तो 2, ये आपका 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये आपका गैंग 2, ये आपका 4 और ये आपका 6, लकीली अगर दोनों की लोकेशन सेम आ जाती है तो बताओ फिर हम क्या चेक करते हैं, फिर हमने चेक किया था अल्फाबेटिकल, और अल्फाबेटिकल में इन पहले आता है, इसका मतलब हम इसको नंबरिंग के रूप में प्रीफर करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल में, तो चूंकि 2 पाई बॉन्ड है ऑक्टा लगेगा, पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या आ रही चेक कर लेते हैं, पाई बॉन्ड की लोकेशन आ रही है 2, पाई बॉन्ड की लोकेशन आ रही है 4 और सबसे लास्ट में 6 पर आइन, वो लिखते समय हमें E9 में इनको पहले लिखना है, तो ऑक्टा के बाद 2 4, वैसे भी 4 6 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 4 आइन पहले लिख नहीं सकते, आइन पहले लिख नहीं सकते, ऑप्शन ही सेट ही नहीं हो रहा, डाई इन 6 आइन कंफर्म, आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला एग्जांपल जंगल का राजा, वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे OH अवेलेबल है, दिमाग मत लगाओ, 1-2-3-4-5-6 करके आंसर दे देंगे और ये आपकी ब्रांच कहलाएंगी, अब ये है आपकी कौन सी लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे, और याद करो लिखते समय ये आपका अगेन 1-2-3, तो ये प्रोपाइल नहीं प्रोपिनिल नहीं प्रोपाइनिल कहलाएगा, वो भी 2 पोजीशन के लिए, तो देखो 3 के बाद 3 3 3 के बाद 3 प्रोपाइनिल चल रहा है, 3 प्रोपाइन 3, अच्छा 3 के बाद गड़बड़ कर रहे हो, 3 के बाद 2 तो लिखा ही नहीं, अगर ये डायग्राम समझोगे ना तो आप समझो कि इसका मतलब यहीं पे पाई बॉन्ड अवेलेबल है, इसलिए गलत मान रहा हूँ उसको, समझ रहे हो मेरी बात को, तो 3 के बाद 2 प्रोपाइनिल साइक्लोहेक्सेनॉल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में इस कहानी के लिए। अगला एग्जाम्पल ये थोड़ा सा बीटा का, मतलब बीटा नहीं दिख रहा है, बीटा इथॉक्सी एल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपिनोइक एसिड का ट्राइवेल नेम है, जो कि आप IUPAC नेम के रूप में पूछना चाहते हो, पहले आपको बता दूं ये बहुत छोटी सी बात है पर हमें पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन से अगले को एल्फा, उससे अगले को बीटा, इससे अगले को गामा बोलते हैं, तो आपको समझ में क्या मतलब है, अब क्या लिखा है एल्फा हाइड्रोक्सी, इसका मतलब यहाँ पे पहले तो मैं इसको इसका डायग्राम बनाना चाहता हूँ, 3 कार्बन है तो यहाँ COH बनाऊंगा, ये एल्फा कहलाएगा बीटा कहलाएगा, एल्फा पर क्या है OH है, बीटा पर क्या है इथॉक्सी है, अब बोलो इसको क्या दूंगा, 1-2-3 के हिसाब से, तो ये आपका हो गया इथॉक्सी और ये आपका हो गया हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है और एच बाद में आता है, तो हम लिखेंगे 3-3-3-3-इथॉक्सी, बस हो गया सॉल्व, 3-इथॉक्सी आ रहा है, फिर 2-हाइड्रोक्सी वो भी आ रहा है, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, तो आपका आंसर सी आना चाहिए, तो पहले छोटी सी बात थी, थोड़ा सा हो सकता है यूपीएससी में हमने यहाँ पढ़ा ट्राइबल नेम के नाम पे, पर आप अल्फा बीटा गामा के नाम पे कंसेप्ट को ढंग से समझ सकते हो। अगला, इस पर आईयूपीएसी रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल बी रिगार्ड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा आपको थोड़ा समझना चाहिए, उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, तो एल्काइन तो नहीं आ सकती, ओ एच का नंबर क्या आता है 11th आता है, कीटोन का नंबर कितना आता है 10th आता है, और इसका नंबर कितना आता है 9th, तो भैया आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन होना चाहिए, एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ओके
27 लकीली देख रहा है, पाईबोन यहाँ भी है, पाईबोन यहाँ भी है, पाईबोन यहाँ भी, तो फिर जब पाईबोन बराबर है तो सबको लपेट लो, जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो लकीली कोई भी चांस ले सकते हो क्योंकि बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कुछ सेट है। आप कहीं से भी रास्ता, कहीं से भी जाओ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। और ये जकीरा क्या कहलाएगा? तो भैया कुछ नहीं था, तो इसका नाम था हेप्टा 1,6-डाइईन। तो पहले हेप्टा 1,6-डाइईन, हेप्टा 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 सब में बराबर दे रखा हो तेरी। फिर क्या किया जाए? तो भैया फिर से ब्रांच की नंबरिंग करते हैं और क्या करेंगे। ये आपका 1,2,3 कहलाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोप टू इनाइल, तो इससे प्रोप टू इनाइल, और लोकेशन क्या आएगी? 4, तो 4 प्रोप टू इनाइल हेप्टा 1,6-डाइईन। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज दिल्ली विद दिस। अगला एग्जाम्पल आपके पास OH अवेलेबल है मिथाइल के साथ, आपको पता है कि ये जंगल का राजा, तो चुपचाप 1 2 3 4 5 6 कर लो, 3 3-डाइमिथाइल जहां लग जाएगा, और उसके बाद हाइड्रोक्सी पहले नहीं सरनेम है भैया, ऑल के रूप में आएगा। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज सी विद दिस। अगला एग्जाम्पल यूपीसी नेम, जंगल का राजा आपके सामने दे रखा है 1 2 3, पर बेटा ये क्या दे रखा, तो थोड़ा समझिए, समझोगे तो शायद ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको बता दूं वास्तव में ये ओरिजिनल NH2 होना चाहिए था, अगर कुछ नहीं होता तो हम इसको बोलते 2-क्लोरो-3-अमीनो, पर प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि ये अमीनो नहीं है, उस पर इथाइल भी आपने जोड़ रखा है, ठीक है? तो अगर इथाइल जोड़ रखा है तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा किस फॉर्मेट के रूप में, और वो भी शायद यहाँ 2 मिस किया हुआ है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे इस समय करेक्शन भी साथ साथ कर ही लेता हूँ। आपके पास अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उम्मीद रखते हैं कि पहले, अच्छा पहले बताओ ई आता है कि क्लोरो आता है? कुछ बच्चों के साथ डाई भी तो आएगा, यस ऑफ कोर्स, ब्रेकेट होने पर डाई भी आ सकता है, ये हमें अच्छे से पता है इस कहानी के अंदर। तो जब ये कहानी आपके पास अवेलेबल है तो हम इसका आंसर देंगे, सबसे पहले आता है क्लोरो, तो फिर लिखेंगे 2-क्लोरो, उसके बाद 3, और फिर 3 के बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रैकेट में लिखोगे तब जाके आपको आंसर की अप्रोच करने में ईजीनेस हो जाएगी कि हमको उस फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ेगा, तब कहलाएगा वो NN डाई मिथाइल अमीनो वाला फंडा। इस कहानी को आप इसी फॉर्मेट के रूप में यूज़ करोगे तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? तो ये फंडा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कहानी के लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ओके, तो क्या कहलाएगा भैया आपका आंसर? सिंपल बॉम्बे के रूप में आएगा, बिकॉज हम इस कहानी को इसी फॉर्मेट के रूप में यूज़ करना पसंद करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। मैंने करेक्शन कर दिया, अगली बार में ये भी करेक्शन हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल आपके पास जंगल का राजा दे रखा है, 1 2 3 लिख के आगे बढ़िए, ये आपका है मिथाइल और ये pH कौन? फॉस्फरस, नहीं इसे फिनाइल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो अब क्या बोलोगे? 2-मिथाइल-1-फिनाइल, उसके बाद तो पता ही कुछ नहीं, इथेनेमिन। तो पहले तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती, सरनेम देख लो, ये रहा प्रोपेन 1-एमीन, काम हो गया। कुछ मत देखते, इतना सरनेम भी देख लेते ना तो कन्फर्म बोलते कि अपन कहाँ से बॉम्बे आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास ये ऑप्शन है जो कि रॉन्ग नेम पूछा था, CO दे रखा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका कहलाएगा क्लोरो, है ना? तो ये तो वैसी गड़बड़ गड़बड़ दे ही रखी है इसके अंदर कि आपको इस कहानी में इस फॉर्मेट के रूप में यूज करना था। या अब अगले ऑप्शन पे बात करते हैं। क्या था भैया? ये ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3 4 5, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ भी रॉन्गली नेम दे रखा है इस कहानी के अंदर, दैट्स नोन एज ए या 2-मिथाइल, जबकि वास्तव में होना चाहिए था 2 की जगह 3-मिथाइल। तो आई थिंक यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे ए भी गड़बड़ है और बी भी गड़बड़ है, पर आई थिंक मिसप्रिंट है, ये क्लोरो होना चाहिए, गलती से CH2 लिख दिया। एक बार अगला भी चेक कर लेते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3-ईन-2-ओन, ये कंफर्टेबल सही है, और ये आपका 1 2 3 4 5, 4-मिथाइल-पेंटेनल, ये भी सही है। यहाँ पे एक्चुअली मिसप्रिंट हुआ है, वैसे इसका आंसर की वहाँ से बॉम्बे दिया वो सही दिया हुआ है, पर अभी एट द प्रेजेंट चूंकि गलती से CL की जगह CH2 की जगह CL लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हो, और गलती से दोनों ही आ जाए तो फिर याद रहना ए बी में ए पहले प्रीफर होता है। ये फंडा भी आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको इस कहानी में कहीं पंगा रिप्रेजेंटेशन ना हो। मैं करेक्शन कर देता हूँ इस कहानी में, आगे जाके यहाँ पे पंगा हम चेक कर लेंगे, ठीक है? अगला 32 आपके पास, सबसे पहले देखो वेज द मेन फंक्शन रूप कौन है, तो भैया जंगल का राजा सीओ दिख रहा है, तो बस जहाँ खड़े हम होते हैं खड़े वहीं से लाइन शुरू होती है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब एक पंगा है, जो काउंट हो जाता है वो ऑक्सो, और जो काउंट नहीं होता वो 4-माइल कहलाता है,
और फॉर्माइल ऑप्शन में लिखते पहले फॉर्माइल को, तो भैया क्या आएगा, थ्री फॉर्माइल, कहीं दिमाग मत लगाओ, थ्री फॉर्माइल यस, फिर फोर ऑक्सो, फिर यस, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम कुछ इस तरह से ताकि आपको फील अच्छी आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका 1 2 3 4 और ये 4 पर एल्डिहाइड है। एक यहाँ भी दे रखा है रूल, अगर आपको पता तो बता दूँ, अगर पेरिंग कार्बन चेन में कोई काउंट होता है तो हमने रूल सीखा है कि हम उसको ऑक्सो बोलते हैं, और जो पेरिंग कार्बन चेन में काउंट नहीं होता उसको हमने फॉर्माइल बोला था, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल आईयूपीएसी नेम पूछा, जंगल का राजा कौन है, कीटोन, साइनाइड या सीएचओ, तो भैया आपको बता दूं आपका आंसर साइनाइड आना चाहिए, बिकॉज आपको बता दूं साइनाइड सीएचओ और सीओ की नंबरिंग के हिसाब से एमएफजी अगर आप ओटीपी के रूप में यूज करें तो हमें बता दूं इसका नंबर 9 था ना है, इसका सॉरी इसका नंबर 7 था ना है, इसका नंबर 9 था ना, इसका नंबर 10, यानी यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। अब फिर वही पंगा, ये जो बच गया वो ऑक्सो और जो नहीं आया वो फॉर्माइल कहलाएगा, समझ में आया, इसलिए टू फॉर्माइल यस, देखो वेज टू फॉर्माइल, थ्री ऑक्सो, पेंटेन नाइट्राइल, आपका आंसर बहुत तमीज से बॉम्बे आना चाहिए। अगला बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन 34 के अंदर क्या पूछा, तो भैया ऐसे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, लपेट लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन बोल के निकल लो, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला आपका ऑप्शन किस फॉर्म में आएगा, तो भैया यहाँ पे दे रखा है क्या ऑप्शन दिया जाए, चेक करो जंगल का राजा कौन है, भैया जंगल का राजा ही सी एच ओ, तो भैया इसको 1 लिखोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये पूरा ब्रांच कहलाएगा। नाउ हमें बोलना पड़ेगा इस कहानी के अंदर 3 मिथाइल और 2 पे क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल, और ये कहलाएगा 4 ऑक्सो। लकीली 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 4 ऑक्सो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल नहीं आ रहा, 3 मिथाइल आना चाहिए, ये रहा बेटा 3 मिथाइल, देखो 3 मिथाइल दिख रहा है, 4 ऑक्सो दिख रहा है, 2 आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, पेंटेनर। आपको ये भी बता दूं कि आईयूपीएससी ने इसको कॉमन, आईयूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो हम इसी को प्रीफर कर पाएंगे, ठीक है। वैसे नन ऑफ द अबव भी दे रखा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बेस्ट चॉइस देख के हम इसके अंदर पंगा कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो ताकि आपको ये पंगा भी ना मिले। ओके आगे बात कर सकते हैं अपन, जंगल का राजा कौन है, तो यहाँ पे सीओ एच आ रहा है, दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5। अब देखो ये अमीनो, ये क्लोरो और ये मिथाल आपको पहले से मेंशन किया जा रहा है इस कहानी के अंदर। सबसे पहले आ रहा है 3 अमीनो, तो 2 तो नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, ऑफकोर्स 3 अमीनो ही आएगा। 3 अमीनो के बाद क्या आएगा, 4 क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो आएगा, फिर 2 मिथाल, यस 2 मिथाल बराबर आ रहा है, पेंटेनोइक एसिड, इसलिए हम इसको भी आंसर के रूप में यूज करेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो आपके पास कोई दूसरा चॉइस अवेलेबल नहीं, आप बॉम्बे लिख के आगे बढ़ सकते हो। आगे बात कर सकते हैं 37 के लिए क्या यूज करना है, 37 के लिए जंगल का राजा सीओएच है, सीओएच प्रॉब्लम है यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों लोकेशन सेम है, इधर से भी 2 3, इधर से भी 2 3, तो बेटा हमें पढ़ा है अमीनो और फॉर्माइल में अमीनो पहले आता है, तो बस ढूंढिए पेरेंट चेन के हिसाब से 1 2 3 4, बिकॉज अल्फाबेटिकल के हिसाब से अमीनो को प्रेफरेंस पहले देनी पड़ती है, इज्जत पहले देनी पड़ती है, 2 अमीनो पहले आना चाहिए, तो ये आपका 2 अमीनो और 3 4 माइल, उसके बाद पता है ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड, आपका आंसर सिंपल सी आना चाहिए। अगला एग्जांपल बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसमें सीएचओ भी दिख रहा है, एनएच भी दिख रहा है, पर सीएचओ का नंबर 9 थे, एनएच का नंबर यहाँ पे 13 थे, बट आपको बता दूँ थोड़ा ध्यान से एक्सपांशन कीजिए डायग्राम को, कभी कभी डायग्राम जान कर कैसे दिखाए जाते हैं, बेटा ये एमाइड ग्रुप है और इसका नंबर 6 है और यही आपका एमएफजी कहलाएगा, इनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब अगर ये जंगल का राजा है तो फिर एमाइड के अंदर तो पहली कार्बन एक ही कार्बन होती है, सिंपल मिथेनेमाइड, ये गलत, ये गलत, ये रहा मिथेनेमाइड, आपका आंसर केवल सी आएगा इस कहानी के लिए। अगला पूछा आपसे आईयूपीएसी नेम, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6 मिथाइल और ये आपका, ये तो लिखो 1 6 डाइमिथाइल, क्या प्रॉब्लम है, 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज बॉम्बे विद दिस, आप इसे बॉम्बे के रूप में यूज कर पाओगे। अगला एग्जाम्पल जंगल का राजा 1 2 3, तो ये आपका फिनाइल होगा और ये आपका पाइबोन के लिए, तो हम बोल सकते हैं 3 फिनाइल, वेज द 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, देन प्रोपीनोइक एसिड, उसने आईयूपीएसी पूछा, ये भी बता दूं ये इसका कॉमन नेम है, आगे के लिए बीज बो रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, बी आर सी एच टू बी है, सी ओ बी है, एमआईड भी, तो भैया इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, याद करो चूंकि काउंट हो रहा है तो इसके लिए ऑक्सोवर्ड आएगा, यस और नो, ये आपका क्या कहलाएगा, तो याद करो मिथाइल तो नहीं है, ब्रोमो मिथाइल कहलाएगा, तो सर्च मारो क्या होगा,
टू ब्रोमोमिथाइल लकीली कहीं पे सेट नहीं हो रहा, ये रहा टू ब्रोमोमिथाइल, यस लकीली आपका आंसर। उसके बाद थ्री ऑक्सो हेक्सेनामाइड, ताकि आप इसको आंसर के रूप में यूज कर पाए इस कहानी के लिए। ओके, यहाँ पर ये डबल आ रहा है, एक करेक्शन था देख लिया मैंने। 42, अगर तीनों साइनेट सीधे सीधे जुड़े हुए हों तो आप क्या आंसर देना चाहोगे इस कहानी के लिए? तो भैया यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे ये वन, ये टू, ये थ्री, हमने एक रूल सीखा था, अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप किसी ओपन चेन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो हमेशा हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे पेरेंट चेन मानते हैं। उस सिचुएशन में आपका वन टू थ्री, तो भैया सिंपल प्रोपेन वन टू थ्री, तो सिंपल है वन टू थ्री प्रोपेन, वन टू थ्री ट्राइनिटाइल, ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाना चाहिए डेली के रूप में। अगला एग्जांपल, जंगल का राजा कौन है, COH। अब याद करो यहाँ से वन के बाद थ्री ए भी हो सकता है और थ्री ए भी हो सकता है, किसको प्रीफर के लिए करें? तो पहले जरा इनका नाम पढ़ो, टेंशन मतलब नाम नीचे लिखा हुआ, बस ढूंढना ही है क्या कहलाएगा। ये दो कार्बन का है तो इथेनॉल ऑक्सी, देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ इथेनॉल ऑक्सी लिखा हुआ, और ये वाला मिथॉक्सी कार्बन तो ये भी लिखा हुआ है, क्यों मेहनत करते हो, दिखा हुआ है, बस अब चेक कर लो कि नंबर किसको देना है। सोचो पहले ई आता है कि एम आता है, ऑफकोर्स ई पहले आएगा, तो आपको पता है इथेनॉल ऑक्सी का मतलब मैं इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स लिखूंगा, तो आपका नाम हो गया सिंपल थ्री इथेनॉल ऑक्सी फाइव, तो ये तो दोनों में कॉमन। आगे बढ़ो, साइक्लोहेक्सेन के बाद क्या कार्बोक्सी लिखोगे, ओएच लिखो, अरे ओएच एसिड तो मैं लिख ही नहीं सकता बिकॉज इस कहानी में ये पंगा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलना चाहिए थ्री इथेनॉल ऑक्सी, पर ओएच तो आ ही नहीं सकता, ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए, ये आपका बेसिक फंडा हो जाएगा जो कि आपको यूज करना है इस कहानी के लिए। गलती दिख रही है आपको, देखो एसिड की स्पेलिंग में गड़बड़ है। यहाँ तो सही लिखा हुआ है, बट देखो यहाँ AIC 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 लिखा हुआ, मैं करेक्शन डाल रहा हूँ, आगे के लिए काम हो जाएगा सही। 44 के अंदर कितना भी देख लो करेक्शन अच्छे निकलते भैया, ये वन ये टू, अब उसके बाद आपको पता है कि ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपका इथेनॉल और ये आपका ऑक्सी, तो वी हैव टू से टू इथेनॉल ऑक्सी, नॉट एसिड ऑक्सी, टू इथेनॉल ऑक्सी, टू इथेनॉल ऑक्सी एसिटिक एसिड, दैट्स वाई योर चॉइस, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पर बेटा एसिड किसी नाम क्यों बोला, गलत बोल दिया रे, टू इथेनॉल ऑक्सी के बाद इथेनोइक एसिड बोलो, कि क्या यूपीएससी पूछिए। कुछ बच्चे बॉम्बे में आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मैं आपको बता, तो बॉम्बे ग्रुप ये होता, ये आपका होता एसिटॉक्सी, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ हो रहा है, और वैसे भी एसिटॉक्सी नाम कॉमन नेम क्यों होता है, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं, एसिटिल ऑक्सी नहीं, नाम तो सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, बट बेटा ये एक्चुअली कॉमन नेम हो जाएगा, आपको आईयूपीएससी पूछा है ना, तो कॉमन नेम यूज नहीं कर सकते। नहीं सही है, डायग्राम तो वही बनेगा, आप जरा सोचिए इसके लिए क्या नाम है, मैं वही देख रहा था, एसिटिल, इसके लिए क्या नाम है, ऑक्सी, तो बता दोनों को मिलके क्या बना होगा, तो इसकी इलकोटा दो तो क्या बन गया आपका नाम, ACT ऑक्सी नाम हो गया, एसिटॉक्सी। अगला एग्जाम्पल, सेम पैटर्न वन टू दे रखा है, पर याद करो इस कार्बन को आप काउंट नहीं कर सकते, इसे थ्री मत काउंट कर लेना, ये कहलाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कीटो, तो भैया कहाँ आएगा टू के बाद मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये आपका आंसर सही लिखा हुआ है, टू मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। अगला एग्जाम्पल, ये जंगल का राजा है, तो आप इसको वन, उसके बाद सारा ध्यान पाई बोन पे होता है, वन टू थ्री फोर, तो ये आपका सिंपल है फोर मिथाइल साइक्लोब्यूट वन इन थ्री होल, पर लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाना चाहिए, फोर मिथाइल तो आ रहा है, फोर मिथाइल आ रहा है, फोर मिथाइल साइक्लोब्यूट टू इन आ रहा है, थ्री होल गलत है, यहाँ भी टू इन होल, पर बेटा यहाँ पे ई हटना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर ओ आता है तो हमें ई को हटाना होता है, तो आपका आंसर बॉम्बे आएगा। सही आना चाहिए, अच्छा रहेगा। 47 के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, जंगल का राजा कौन है, तो ये आपका जंगल का राजा, तो इसको वन लिखो, उसके बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखिएगा, ये आपका टू मिथॉक्सी, ये कहलाएगा फोर नाइट्रो, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, वैसे तो बेंजीन का बेल्डिहाइड, पर सरनेम कहीं सेट ही नहीं हो रहा, तो फिर यही सेट हो रहा है, आपका आंसर सिंपल ए आना चाहिए इस कहानी के अंदर। अगला एग्जाम्पल, आपके पास दोनों एस्टर अवेलेबल है, कोई बात नहीं, आप इसको वन टू थ्री, पर बेटा एस्टर का रूल था कि हमेशा हम एल्का ग्रुप को पहले लिखते हैं, तो पहले पहले लिखो, फिर इसके लिखोगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, चूंकि दोनों सिमेट्रिकल है तो डाई लिखने की जरूरत नहीं होती नॉर्मल, वैसे तो डाई लिखना चाहिए, पर कुछ डाई लिखने पर फिर बच्चा दो बार मिथाइल जोड़ सकता है, तो हम इसको सिंपल मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल के बाद क्या हो, तो मिथाइल ऑप्शन ही एक जगह दिख रहा है, उसके बाद लिखोगे टू हाइड्रोक्सी मिथाइल,
देन प्रोपेन 1,3-diol, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए इस कहानी के अंदर, आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल होगा। अगला एग्जाम्पल आपके पास आईयूपीएसी नेम पूछा है इस कहानी के लिए, तो भैया यहाँ पे सीओ दे रखा है ऑप्शन के सामने अवेलेबल है, जंगल का राजा कौन होना चाहिए, तो भैया जंगल का राजा एसिड होना चाहिए, आपको सिखाया था मैंने। इस कहानी में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसका एनालिसिस कर दीजिए। एनालिसिस करोगे तो आपके पास यहाँ पर CHO, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COOH आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा CH2CH, यहाँ पे COOH आ जाएगा। ये आपका 1,2,3 कहलाएगा, दैट्स नोन एज अ प्रोप टोइनोइक एसिड। ये आपका 1,2, इसको काउंट नहीं करना है, तो इससे 2-formyl, क्योंकि एनहाइड्राइड के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेट नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो 2-formyl, उसके बाद है इथेनोइक एसिड। अभी इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब ये बोलना चाहता हूं मैं कि अगर आप बोलोगे 2-formyl इथेनोइक एसिड, तो इसके लिए क्या बोलोगे, प्रोप टू इनोइक एसिड। अब आपको इन दोनों को हटाना है, तो इन दोनों को हटा के क्या जोड़ दोगे आप, यहाँ पे नाम जोड़ दोगे एनहाइड्राइड, तो 2-formyl इथेनोइक। ये भी डाउट है, एफ पहले आया था कि पूरे नाम का शुरुआत एफ से हो रहा है, पूरे नाम का शुरुआत पी से हो रहा है, तो हम पहले एफ को देखेंगे, तो अल्फाबेटिकल में 2-formyl इथेनोइक, प्रोपेनोइक नहीं आएगा, प्रोप टू इनोइक आएगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेली विद दिस। अगला एग्जाम्पल आपको देखना है, जंगल का राजा, तो भैया ये आपका CHO, ये आपका CHO, लकीली वो भी CHO ही तो दे रखा है, बस 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5,6, तो भैया आपका काम सेट है 1,2,3,4,5,6। अब ये आपका ब्रांच कहलाएगा, इसको कहते किस्मत। CHO होने के बाद भी पेरेंट चेन में काम नहीं हो रहा, प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा, प्रीफिक्स में इसका नाम होगा 3 के बाद 4-methyl, 3 के बाद 4-methyl, फिर आएगा हेक्सेन 1,6-diol, दैट्स द आंसर, परफेक्ट वे टू एक्सप्लेन। अगला एग्जांपल आपका यूपीएससी नेम पूछा गया, जंगल का राजा कौन है, एस्टर की COCl, तो बेटा इसकी लोकेशन आती है फोर्थ, इसकी आती है फिफ्थ, तो ये आपका MFG कहलाएगा, और MFG के हिसाब से इथाइल पहले आना चाहिए, इथाइल पहले दो ही जगह दिख रहा है मुझे, उसके बाद क्या आएगा, अगेन 2,3,4,5,6, 2 क्लोरोकार्बन, फिर 2 के बाद क्लोरोकार्बन, की यहाँ पे तो 1 आ रहा है, आपका आंसर कन्फर्म यहाँ पे सी आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से, या यूपीएससी नेम के हिसाब से ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 1-phenyl, तो आपको 1-phenyl, उसके बाद सिंपल इथेनॉन 1-phenyl इथेनॉन, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज आगरा विद दिस, क्योंकि यूपीएससी में जहां मेन फर्स्ट ग्रुप होता है वही अपनी पेरेंट चेन कहलाती है। और अगला ऑप्शन के सामने स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल मिथेनोइड, तो ध्यान से देखो आइसोप्रोपाइल आगे आना चाहिए, आइसोप्रोपाइल आगे आना चाहिए, उसके बाद मिथेनोइड, तो बेटा यहाँ तो इथेनोइड की फीलिंग आ रही है, ये तो कुछ और ही, आइसोप्रोपाइल है ही नहीं, ध्यान से देखो ये आइसोब्यूटाइल है, जान पहचान बड़ा थोड़ी सी, ये आपको यार ये तो प्रोपाइल दे रखा है, ये रहा आपका आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल उसके बाद मिथेनॉल, दैट्स व्हाई आंसर इज डेली विद दिस। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक्सरसाइज 1 कि मैंने 1 से 53 के सॉल्यूशन एक साथ बना दिए, आपको जहां भी डाउट हो आप इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट पुटअप कर सकते हो, आराम से देख सकते हो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, फिर भी अगर आपको डाउट है तो मेरा डाउट ठीक है टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, शरद कोठारी, जिसे डाउट चैनल के रूप में यूज़ किया गया, तो आप मुझसे वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, इस अबाउट द डाउट चैनल के रूप में, ये सब आपकी बुक में पीछे दे रखा है, आप उसके थ्रू किसी प्रकार आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।